पीएलए वाले कहाँ झंडे नहीं लगते हैं? ईरान में, ईरान से तो ईरान मुस्लिम कंट्री नहीं है। वहाँ दो भाई है। अच्छा, एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, एक को जो है हमारा फौज ने खरीदा हुआ है। अच्छा, हमारा इदारों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों लड़ रहे हैं। दोनों लड़ रहे हैं। और पीस कौन रहा? आवाम। हमारी डेडलाइन है, वो हमारी फौज है। अच्छा, नहीं तो ये आपके जो पैसा खाते है ना, ये बलूचिस्तान वाले, जो केपी के वाले, ये इस मुल्क को बेच के खा जाए, ये बेच के खा जाए। अब हमारी रेड लाइन है सर, उसके मुताबिक बात मत करें। सर आप बात सुनो, वी आर द बिगेस्ट, वी आर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हमने कश्मीर को क्या करना है, हमने फलस्तीन को क्या करना? हमारा इधर जो है रोज कितना कब्रें खुद रहे। अच्छा, कितने हमने लोग मर रहे हैं? कितना बंदे मर रहे हैं? अच्छा, हमने इसका फिक्र करना चाहिए। भाई का वजह किस लिए बन गया होता है? आप लोग भीख मांगने इधर आते हैं। हाँ, ऐसा ही है। आपका जो वजीर आजम है वो भीख मांगने आता है, बाकी तो सब भीख मांगने आते हैं। पे द अमाउंट दीज पीपल। कौन बिक रहा है? कौन बेगैरत बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? इसको मैं क्यों कहूँ? केपी के वाले हैं। अच्छा, बलोचिस्तान वाले हैं। बलोचिस्तान वाले बिक रहे हैं। हाँ, बिक रहे हैं। कि हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारी फौज को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तो नबूद करे। अच्छा, जो भी ये काम करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो, हमारी आर्मी को चाहिए कि उसके खिलाफ इलेक्शन ले। अच्छा, उनको निस्तो नबूद करे, खत्म। पाकिस्तान के लोग मांगते क्या है, मुझे बताएं क्या वजह आपके हाथ नहीं मिल रहे? बलूचिस्तान का आवाम ये मांगता है कि आप जाओ बलूचिस्तान के एक कोने से जाओ दूसरे कोने तक, आपको डबल हाईवे रूट नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या वो हकदार नहीं है? हकदार है। आपको सोना वहाँ से निकल रहे, कोयला वहाँ से निकल रहे, तांबा वहाँ से निकल रहे। 18 कुएं हमारे गैस के, और आप लोग हमें सिर्फ 6 से गैस निकालने देते हैं, उसमें बाकी आपने क्या जगीरदारा रखा है कि हमें राइट्स दिए जाएं। यार ये पाकिस्तान की जमीन है। अच्छा, ये आपने वहां से लेके नहीं आए थे, पैदा हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं संग्रो। बलूचिस्तान के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब इसको लेकर जब बात करते हैं बलूचिस्तान के लोग, तो जो पंजाब के लोग हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। बात हम फलस्तीन पे करते हैं कि वहाँ अटैक हो रहा है, अपने यहाँ पे जो अटैक हो रहा है इसको कैसे रोकें, और ये कौन कर रहा है, क्या कहेंगे? वजह ये है कि बेटा यहूदी जो है, अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग है हमसे ज्यादा। अच्छा, वो आपस में कोलैबोरेट रखते हैं। ठीक है, जिससे उनके आपस में कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, हम मुसलमानों ने सारी इन्वेस्टमेंट जो है जितने मिडिल ईस्ट वालों ने सभी अमेरिका में, बरतानिया में और दूसरे में किया हुआ है। ठीक है, आज ये वहाँ से अपने पैसा निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ये यानी कि जैसे सारे गरीब हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन मसला ये है, लेकिन एक मिनट यहीं पे मैं बात रोकता हूँ। ये तो टॉपिक से थोड़ी दूसरी साइड पे जा रही है, क्योंकि कराची में जो अटैक हुआ है वो किसी यहूदी ने किया है, ये इससे मैं करता हूँ। लेकिन आप बोला पैसे निकाल लेंगे तो यहूदी गरीब हो जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी यूज करना छोड़ देंगे तो हम फिर कहाँ के रहेंगे? टेक्नोलॉजी जो ईस्टर्न रशिया के पास है जी, जो ईरान के पास है, ईरान ने जो रशिया और चाइना से मिलकर मिसाइल बनाया है, ठीक है, वो उसको कैप्चर करना या उसको लोकेट करना इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान ने भी अटैक किया था 4-5 दिन पहले, एक मिसाइल भी वहाँ पे निशाने पे नहीं लगा, एक ऐसा सब निशाने पे लगे हैं, कोई जान कोई नुकसान। इसराइल की अपना इस टेक्नोलॉजी में वो आगे है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, जाहिर है उनका डिफेंस ड्रोन सिस्टम है, डिफेंस ड्रोन सिस्टम है। उसके बाद उसका पैसा हर जगह लगा है, बरतानिया में लगा हुआ है, अमेरिका में लगा हुआ है। अच्छा, वो आज अमेरिका से पैसे निकाल लेता है, बरतानिया से निकाल लेता है, तो बरतानिया और अमेरिका ठुस हो जाता है। इंडिया ने पैसे दे दिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए, दिए किसको है पैसे? आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है। आजकल हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को पता है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जो है सच बोलने का जो है हम लोगों का दिल नहीं है। नहीं, सच बोलते हैं तो फिर कुछ लोग, सबको पता है कि कौन ले रहे पैसा, कौन इस्तेमाल कर रहे और बीच में किसको फंसा रहे। ठीक है, 3.5 साल इमरान खान का हुकूमत था। अच्छा, आपने कोई धमाका देखा? आपने अच्छा, कोई दहशतगर्दी देखा? नहीं, वैसे ये नहीं हम आपने सकते कोई चाइनीज के ऊपर हमला देखा? अच्छा, आपने बलूचिस्तान में हालात खराब देखा? इस टाइम बलूचिस्तान के क्या हालात हैं? बलूचिस्तान के इस टाइम क्या हालात हैं? सच बताइए। इस टाइम जो है हालात ये है कि उसको पैसा दो। हाँ, और आवाम को जलील करो। अच्छा, सब मगरमच्छों को पैसे दे रहे हैं और आवाम को पाँव के नीचे लेके आ रहे हैं, दबा जा रहा है। वो कौन है आपको पता है? हमें पता है, सबको मुझे बताएं। हमारा एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, हमारा इदारे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अंकल, आप इन पे क्या कहना है? आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? कोयटा के? ये तो बलूचिस्तान के, ये ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जो हमारी रेडलाइन है वो हमारी फौज है। अच्छा, नहीं तो ये आपके जो पैसा खाते हैं ना, ये बलूचिस्तान वाले, जो केपी के वाले, ये इस मुल्क को बेच के खा जाए, ये बेच के खा जाए।
अब हमारी रेड लाइन है सर, उसके मुताबिक बात मत करें सर। आप बात सुनो, वी आर द बिगेस्ट, वी आर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। उसमें कुछ है ठीक है। अच्छा अब आप बताएं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपना पैसों के लिए अपना उसके लिए नहीं बेचते, आपके सियासतदान है। अच्छा सियासतदान खाते नहीं तो कालाबाग डैम क्या आपको पता नहीं? बन्नू कैसे शराब होगा? बन्नू से नीचे है अपना कालाबाग डैम, पन्नू को पानी मिल रहा है। अच्छा सिंध को पानी मिल रहा है ठीक है, बलोचिस्तान को पानी मिल रहा है, ये तीनों लेकिन मसला ये है ना, मसला इस सर आप ही समझिएगा। देखें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी सोच है, लेकिन मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं जी फलस्तीन की, हम बात कर रहे हैं बर्मा की, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, अपने घर में हमले हो रहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा के कहूँ मैं फलस्तीन के साथ हूँ? फलस्तीन वाले जी करे कहते हैं कि भाई पहले अपने साथ सर, हो आप मेरी बात को समझे हैं कि नहीं समझे? बिल्कुल मैं समझ रहे हैं ठीक है। अमाउंट टू दीज पीपल, कौन कौन बिक रहा है, कौन बेगैरत बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? इसको मैं क्यों कहूँ, केपीके वाले हैं, अच्छा बलोचिस्तान वाले हैं, बलोचिस्तान वाले बिक रहे हैं, बिक रहे हैं। सर आप इस बात को तवज्जो दें जी, इस वक्त जो बलूचिस्तान का वज़ीराला बैठा हुआ है वो वोटों से नहीं आया हुआ। अच्छा उसको किसी भी वोट नहीं, की बात नहीं कर रहे हम, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं अच्छा। आपका नजर इस तरफ लेके जा रहा हूँ ठीक है, वो किसने बिठाया? अच्छा उसे कौन करवा रहे हैं ठीक है? नहीं बलूचिस्तान बलूचिस्तान के लोग मांगते क्या है, मुझे बताए क्या वजह आपके हाथ नहीं मिल रहे? बलूचिस्तान का आवाम ये मांगता है की आप जाओ बलूचिस्तान के एक कोने से जाओ दूसरे कोने तक, आपको डबल हाईवे रोड नहीं मिलेगा। अच्छा क्या वो हकदार नहीं है? हकदार हैं। आपको सोना वहाँ से निकल रहे, कोयला वहाँ से निकल रहे, तांबा वहाँ से निकल रहे, सब कुछ बलूचिस्तान से, गैस वहाँ से निकल रहे, गैस वहाँ से निकल रहे, पूरा पाकिस्तान को वहाँ से सप्लाई हो रहा है। आप बलूचिस्तान के वहाँ से 18 कुएं हमारे गैस के ठीक है, और आप लोग हमें सिर्फ 6 से गैस निकालने देते हैं, उसपे बाकी आपने क्या जगीरदारा रखा है कि हमें राइट्स दिए जाएं? तो यार ये पाकिस्तान की जमीन है। अच्छा ये आपने वहाँ से लेके नहीं आए थे, पैदा हुए तो लेके नहीं आए थे? नहीं वैसे एक बात है, बलोचिस्तान पाकिस्तान बनने के बाद में बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना ना, यानी हम बलोचिस्तान के साथ कुछ मुतालबात किए गए, एग्रीमेंट किया गया कि आपको हक दिया जाएगा, ये चीजें दी जाएंगी। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया सर। नहीं एक चीज ये भी कही जाती है जी, इंडिया पैसे देता है बलोचिस्तान के लोग बिक जाते हैं सर। नहीं ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो हम आपको क्या बोल रहे हैं? अच्छा वहाँ दो भाई है, अच्छा एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, एक को जो है हमारा फौज ने खरीदा हुआ है, अच्छा हमारा इदारों ने खरीदा हुआ है ठीक है। तो वो दोनों लड़ रहे हैं? दोनों लड़ रहे हैं। और पीस कौन रहा है? आवाम। ये आप किसका कार है? आवाम का कार है, ऐसे ही है, समझ गया ठीक है। हमारा अगर फौज भाई, फौज हमारा जो है फखर है, फखर है, लेकिन इस तरह नहीं। बीएलए वाले कहाँ जाके नहीं लगते हैं? ईरान में, ईरान से वो, तो ईरान मुस्लिम कंट्री नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन वहाँ पे वो जहाँ पे उनका है ना, साथ आ जाए। अच्छा ईरान मुस्लिम कंट्री नहीं है? कंट्री नहीं है, लेकिन जैसे हमारे जंगल है, वो जंगल है ठीक है, जो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने वहां से पकड़ा ईरान से कह के पकड़ा है। दोस्तों एक्चुअल में बात यह है कि पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर देखी जाती है तो पंजाब के अंदर देखी जाती है। इसी वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं टारगेट करते हैं पंजाब को कि भैया तुम तो आराम से जी रहे हो और उसी पाकिस्तान के अंदर तुम रहते हो जिस पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं, और हमारे यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि ना रोड है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं, ना डेवलपमेंट कर पाते हैं, ना हमारे यहाँ पर रोड बनाई जाती, सड़कें बनाई जाती, जबकि पंजाब के अंदर सब डेवलपमेंट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई परेशानी वाली जगह है जहां पर लोग रहते हैं तो वो बलूचिस्तान है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि भैया हमें जो है पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमें इनके साथ में नहीं रहना है। आपने सुना होगा दो दिन पहले ही कराची के एक एयरपोर्ट के ऊपर बम धमाका हो जाता है जिसमें चाइना के दो लोग मारे जाते हैं और एक दो लोग उसमें मौत हो जाती है, और ये बीएलए ने किया था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उसका कहना है कि जब तक हमारे राइट्स हमको नहीं दिए जाते हैं तब तक हम जो पाकिस्तान की आर्मी ही इससे लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लोगों को उठाती है और उसके बाद में गायब कर देती है, और अगर हम कुछ बोलते हैं या हमारे लोग कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर अटैक कर देती है, तो इस हिसाब से हम भी इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इसी वजह से पूरे बलूचिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, छोटा बच्चा हो, बड़े लोग हो या कोई भी वहां पर हो, लगातार इनकी आर्मी के खिलाफ लड़ता रहता है।
है और ये कहता रहता है कि हम बलूचिस्तान को अलग देश बनाएंगे, हमें पाकिस्तान से लेना देना कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप बात नोट करिए कि जब ये व्यक्ति जो बलूचिस्तान के अंदर रहने वाला है वो इनसे कह रहा है कि भैया ये चीजें नहीं है, तो ये उसको उल्टा काउंटर करना है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो और हमारे यहाँ गेहूं पैदा होता तो वहां जाता। अरे भैया गेहूं तो वहां भी पैदा होता है, वो लोग खा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में सच बात यह है कि बलूचिस्तान के एरिया से जो भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जो वहां से ताबा निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट रख लेती है, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर चाइना लगातार खनिज पदार्थों को निकालने काम करता है, इस वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं चाइना के ऊपर भी गुस्सा है कि ये लोग अगर यहाँ पर ना आए तो जो संसाधन है इनका उपयोग हम लोग कर सके, अगर सब कुछ बलूचिस्तान से निकाल लिया जाएगा उसके बाद में तो बलूचिस्तान के पास कुछ बचेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।